no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. So what's up guys, कैसे हो आप लोग, आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग जाने लगे आप फास्ट मूवमेंट कैसे कर सकते हो, आप अपने मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कैसे कर सकते हो। जैसे आप अभी बैकग्राउंड में देख रहे हो वैसे मूवमेंट कैसे कर सकते हो, उससे भी ज्यादा फास्ट मूवमेंट कैसे कर सकते हो, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए, जो आपका फ्री फायर का सेटिंग है वो क्या रखना चाहिए जिससे आपका जो मूवमेंट है वो बढ़ जाए। और गाइस आप लोग ने भी बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर का देखा होगा जिनका जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा फास्ट होता है। जैसे अपने इंडियन यूट्यूबर्स हो गए, ब्राजीलियन यूट्यूबर्स हो गए, इंडोनेशियन यूट्यूबर्स हो गए, उनका जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो आप भी वैसा मूवमेंट कैसे कर सकते हो, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए, क्या सेटिंग रखना चाहिए जिससे आपका जो मूवमेंट है इंक्रीज हो जाता है। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से आके सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के जाने तक अगर आपको फास्ट मूवमेंट करना है तो आपका जो फ्री फायर का सेटिंग है वो क्या रखना चाहिए। तो गाइस फ्री फायर का सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको फास्ट मूवमेंट करना है। जैसे आप अभी बैकग्राउंड देख रहे हो, अगर वैसा मूवमेंट करना है या उससे भी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करना है तो आपका जो फ्री फायर का सेटिंग है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो गाइस आपका जो फ्री फायर का सेटिंग है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेंसिटिविटी सेटिंग ही होता है। तो सेंसिटिविटी सेटिंग में अगर आपको मूवमेंट करना है, फास्ट मूवमेंट करना है, तो इसी पर से भी इंपॉर्टेंट है जनरल, ठीक है। अगर जनरल अगर आपका सही रहे तो आपका मूवमेंट ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा, आपका जो मूवमेंट है बहुत तक फास्ट हो जाएगा। तो जनरल जो है आपको अगर आप लो एंड डिवाइस में खेलते हो, मीन्स 2GB 3GB या 4GB रैम वाले में खेलते हो, तो आपका जो जनरल है वो 100 ही करके रखो, ठीक है। अगर आप 4GB रैम वाले में खेलते हो या 2GB या 3GB रैम वाले में खेलते हो तो 100 करके ही रखना है। अगर आप हाई एंड डिवाइस में खेलते हो, 8GB 6GB रैम वाले में खेलते हो, अगर आपका मोबाइल नया है, ठीक है, अगर आपका मोबाइल न्यू है या एक दो महीना हुआ है या तीन महीना हुआ है, तो आप उसको पूरा 100 करके मत रखो, क्योंकि जो भी हाई एंड डिवाइस का नया मोबाइल रहता है उसका सेंसिटिविटी कुछ ज़्यादा ही होता है। इसलिए आप उसको 80 से 90% कर सकते हो या ज़्यादा 95% कर सकते हो। अगर आपके पास हाई एंड डिवाइस है बट बहुत ज्यादा पुराना है, 1 साल 2 साल, तो उसको आप 100 करके ही रखो अगर आप हाई एंड डिवाइस में खेलते हो तो। अभी बात करते हैं गाइस कस्टम एचडी में कुछ चेंजेस करने की नहीं करने। तो गाइस अगर आप अपने कस्टम एचडी में कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल भी मत चेंज करना, अगर नहीं कंफर्टेबल हो तो न्यू कस्टम एचडी बनाओ, उसमें हाथ बैठा लो, फिर बिल्कुल मत चेंज करना। अभी बात करते हैं कि आप फास्ट मूवमेंट कैसे कर सकते हो, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपको कैरेक्टर स्किल क्या रखना चाहिए। तो बहुत सारे बंदे लोग बोल रहे होंगे कि कैरेक्टर स्किल के बारे में क्यों बता रहे, तो कैरेक्टर स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आपको फास्ट मूवमेंट करना है। जैसे आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, अगर वैसा मूवमेंट करना है तो सही कैरेक्टर स्किल रहेगा तो आपका जो काम है बहुत हद तक आसान हो जाएगा, आपका जो मूवमेंट है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या कैरेक्टर स्किल रखना चाहिए, तो जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं वो कैरेक्टर स्किल रख सकते हो, एक रैंक के लिए, एक कस्टम के लिए और एक रैंक और कस्टम दोनों के लिए, तो ये रख सकते हो, बेस्ट कैरेक्टर स्किल है। और इसके साथ आपको कौन सा कैरेक्टर इस्तेमाल करना चाहिए वो भी जान लेते हैं। तो गाइस आप लोगों को पता होगा अपडेट के बाद क्रोनो का जो एबिलिटी है बहुत हद तक कम कर दिया, तो वो इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप चाहो तो केली इस्तेमाल कर सकते हो, वोंगकॉन्ग इस्तेमाल कर सकते हो, या चाहो तो आलोक भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर आपके पास आलोक और हुंगकॉन्ग दोनों नहीं तो केली इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास हुंगकॉन्ग और आलोक दोनों है तो आप हुंगकॉन्ग की तरफ जाओ, या आपके पास सिर्फ और सिर्फ आलोक है तो आलोक की तरफ भी आप जा सकते हो। तो गाइस ये था बेस्ट कैरेक्टर और बेस्ट कैरेक्टर स्किल। अभी बात करते हैं गाइस कि आप फास्ट मूवमेंट कैसे कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको फास्ट मूवमेंट करना है तो सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है, कभी भी अगर आपसे एनिमीज दूर है, आप उसके ऊपर रश करने जा रहे हो आप, ठीक है, तो आपको हाथ में गन लेके नहीं रखना। ये बेसिक से पॉइंट है मगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हाथ में गन नहीं रखना नहीं है, ठीक है। वो रखोगे तो आपका जो मूवमेंट है बहुत हद तक स्लो हो जाएगा। जब आप बंदे के पास पहुंचते हो तब आप गन स्विच करके हाथ में मतलब गन ले सकते हो, बट अगर आप एनिमी से दूर हो जब उसके पास जा रहे हो तो हाथ में गन लेके मत जाओ, उससे आपका जो मूवमेंट है बहुत हद तक स्लो हो जाएगा। जब एनिमीज के पास पहुंच जाते हो तब आपको हाथ में गन लेनी है। अगर दूर से जा रहे हो तो आप हाथ में फिस्ट ले सकते हो, पेन ले सकते हो, बैट ले सकते हो, ये सब ले सकते हो, बट आपको गन नहीं लेना। अभी बात करते हैं दूसरी चीज की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लेफ्ट वाला फायर बटन, ड्रैग वाला फायर बटन। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो एक बार ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उससे आपका जो मूवमेंट बहुत हद तक फास्ट हो जाएगा, आपका फास्ट सीटअप ग्लू लगेगा, फास्ट 360 डिग्री ग्लू लगेगा अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है लेफ्ट वाला फायर बटन, क्विक वेपन स्विच बटन, तो आप नॉर्मल भी रख सकते हो, जिसमें अभी आप कंफर्टेबल हो वही रहने दो, वो दोनों बटन इस्तेमाल मत करो। अगर आपको कंफर्टेबल हो रहा है तो वो बटन इस्तेमाल कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अभी बात करते हैं अगर आपको फास्ट मूवमेंट करना है तो और क्या क्या करना है। तो सबसे पहली चीज तो गाइस आपको फिंगर मूवमेंट फास्ट करना होगा। तो फिंगर मूवमेंट फास्ट करना मतलब डायरेक्ट आप जाके फास्ट मतलब फिंगर मूवमेंट नहीं कर सकते हो, नहीं तो कुछ भी क्लिक होगा, मीन ग्लू वाला बटन पे क्लिक नहीं होगा,
होगा, कुछ भी क्लिक होते रहेगा। तो धीरे धीरे करना, धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी। और वैसे अगर आपको फास्ट मूवमेंट करना है तो फास्ट फिंगर मूवमेंट करना ही पड़ेगा, जो कि आपको धीरे धीरे करना। अभी बात करते हैं दूसरी चीज, अगर आपको फास्ट मूवमेंट करना है तो दो चीज फास्ट लगाना होगा, पहला तो सिटअप ग्लू और 360 डिग्री ग्लू। तो ये कैसे लगा सकते हो, तो मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया, ठीक है। तो गाइस वो वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो। तो गाइस अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो आपको जो फास्ट सिटअप ग्लू होगा, फास्ट 360 डिग्री ग्लू है, लगाना आ जाएगा। अगर गाइस आप वो दोनों फास्ट लगा लेते हो तो आपका जो मूवमेंट है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अगर आपको फास्ट मूवमेंट करना है तो आपको ट्रेनिंग सेक्शन में प्रैक्टिस करनी होगी, कस्टम में प्रैक्टिस करनी होगी, रेगुलर गेम खेलना होगा। अगर रेगुलर गेम खेलते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपका जो फिंगर मूवमेंट है बहुत ज्यादा बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो आपका जो मूवमेंट है वो भी बढ़ेगा। और गाइस अभी भी इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है, तो अगर आपको हैंडकैम चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहला है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।